हेलो दोस्तों, यूजुअली लोग गाड़ी खरीदने के लिए फेस्टिवल का सीजन नहीं तो ईयर एंड को चूज करते हैं। ये दो टाइम में शोरूम वाले ढेर सारे डिस्काउंट देते हैं, बैंक का जो लोन है उसमें प्रोसेसिंग फी भी नहीं रहता है, तो अगर आप इस टाइम में गाड़ी खरीदते हैं तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। अभी मार्च चल रहा है, आप देखेंगे गाड़ी का सेल भी बढ़ जाता है। और एक कार खरीदने के लिए यूजुअली लोग कार लोन लेते हैं। अब कार लोन में इतना कॉम्पिटिशन है, ढेर सारे बैंक तरह तरह का फैसिलिटी ऑफर करता है, लेकिन उसमें कुछ मिसलीडिंग भी होता है। लोग कंफ्यूज हो जाता है कि किसमें ले किसमें ना ले। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप स्टेट बैंक से कार लोन ले सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, इंटरेस्ट रेट क्या है, पूरा डिटेल में ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मैं रेगुलर बेसिस पे फाइनेंशियल टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ जो आपको डे टू डे फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा कि कार लोन में बहुत कंपटीशन है, इसीलिए बैंक भी बहुत एग्रेसिव होता है। जब भी आप शोरूम में विजिट करते हैं कार खरीदने के लिए, आप देखेंगे कि ढेर सारे बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आ जाता है, आपको बोलते हैं मेरे बैंक से लो मेरे बैंक से लो। और मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं और डीलर वाले जिसके पास से लेने बोलते हैं आप जाके वहां पर ले लेते हैं। तो मैं पहला जो पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि क्यों स्टेट बैंक कार लोन। स्टेट बैंक कार लोन में पॉजिटिव साइड क्या है, उसमें जो सबसे बड़ा पॉजिटिव साइड दोस्तों मेरे हिसाब से वो है कि कोई एडवांस ईएमआई नहीं है इसमें। और ये एडवांस ईएमआई वो टूल है जिसके थ्रू से कुछ प्राइवेट बैंक आपका लोन अमाउंट एंड ईएमआई अमाउंट को मैनिपुलेट करता है। क्योंकि दोस्तों, हम लोग जब लोन के बारे में डिसाइड करते हैं दो चीज को देखते हैं, पहला है कि कितना ईएमआई मुझे देना है, दूसरा है कि कितना लोन मुझे मिलेगा। अब जो कम ईएमआई आपको बोलता है, आपको लगता है कि अरे इसमें तो इंटरेस्ट कम है, कम ईएमआई देना पड़ रहा है, चलिए वहां पर लेते हैं। और ये बात कुछ बैंक को पता है और इससे वो क्या करते हैं कि एडवांस ईएमआई के थ्रू से ईएमआई को घटा देता है और आप उसमें फंस जाते हैं। कैसे, चलिए बताते हैं। सपोज आप स्टेट बैंक के पास से 10 लाख लोन लिया जिसका कोई एडवांस ईएमआई नहीं है, नॉर्मल ईएमआई है, महीने के अंत में आपको देना है। और एक प्राइवेट बैंक से भी आप 10 लाख लोन लिए हैं, इंटरेस्ट रेट सेम है, लेकिन आप देखेंगे कि वो प्राइवेट बैंक में ईएमआई थोड़ा कम होगा स्टेट बैंक से, सेम इंटरेस्ट है लेकिन कम है। कैसे, वो लोग क्या करते हैं कि जस्ट बिकॉज पहले दिन वो एक ईएमआई अमाउंट ले लेता है, क्या करते हैं कि आपको 10 लाख दिया, सपोज 20,000 ईएमआई है तो 10 लाख दिया, इमीडिएटली 20,000 ले लिया, तो एक्चुअल में वो आपको लोन 9,80,000 देता है। क्योंकि पहले दिन तो आपसे पैसा वो ले ले रहा है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता है, क्योंकि 9,80,000 इसीलिए हो जाता है। लेकिन आप पहले दिन क्या डिसीजन मेकिंग में क्या सोचा था कि दोनों में 10 लाख दे रहा है, लेकिन वो दे के आपसे ले लेता है। और एज बिकॉज 9,80,000 पहले दिन हो जा रहा है, ईएमआई भी थोड़ा घट जाता है क्योंकि 9,80,000 के ऊपर ईएमआई कैलकुलेट होता है। तो इसीलिए इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्लीज ये जो एडवांस ईएमआई है इसके चक्कर में मत पड़िए। अगर अब पढ़ते भी है, ये बात आपको दिमाग में रखना है, ये जो कम ईएमआई है इसीलिए वो दे पाता है क्योंकि आपसे वो पैसा वापस ले लेता है, लोन अमाउंट घट जाता है, इसीलिए आपका ईएमआई कम है। दूसरा जो पॉजिटिव साइड एसबीआई कार लोन में है कि कोई फोर क्लोजर नहीं तो प्री पेमेंट चार्ज नहीं है। आज क्या लोग कर रहा है कि एज बिकॉज लोन अवेलेबल है, 3 साल 4 साल में लोग गाड़ी बदलता है। तो अगर आप 7 साल 8 साल के लिए लोन ले, आप चाहे तो 3-4 साल में बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत मैक्सिमम जो प्राइवेट बैंक है वहां पर 5% 3% 4% प्री क्लोजर चार्जेस है, फोर क्लोजर चार्जेस है, जो कि आपका जो एक्सपीरियंस है बढ़ा देता है, जो स्टेट बैंक में नहीं है। नॉट ओनली दैट, कुछ प्राइवेट बैंक ऐसा भी है कि पहले 6 महीने में आपको बंद ही नहीं करने देगा। तो ये टाइप का स्ट्रिंग स्टेट बैंक कार लोन में नहीं है, कोई भी एडवांस ईएमआई नहीं है जिससे आपका एक्चुअल लोन अमाउंट घट जाए, और इसीलिए मेरे हिसाब से स्टेट बैंक कार लोन एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अब दोस्तों, इसके बाद जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है कि स्टेट बैंक आपको डेली रिड्यूसिंग बैलेंस पे लोन देता है। मतलब है कि अगर आप आज 10,000 जमा करेंगे तो कल 10,000 को छोड़ के जो अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा, डेली रिड्यूसिंग बैलेंस। लेकिन मोस्ट ऑफ द बैंक क्या करते हैं कि वो मंथली रिड्यूसिंग बैलेंस पे देते हैं। मतलब है कि अगर आप 5 तारीख को कुछ पैसा जमा करें,
लेकिन उसका इफेक्ट आपको नेक्स्ट महीने मिलेगा। वो बाकी जो दिन है 25 दिन, उसमें वो एक तारीख को जो बैलेंस था उसके ऊपर ही प्राइवेट बैंक इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, बिकॉज उसका मंथली रिड्यूसिंग बैलेंस है, लेकिन स्टेट बैंक का डेली रिड्यूसिंग बैलेंस है। और यूजुअली स्टेट बैंक का जो लोन अमाउंट है वो भी ज्यादा होता है, 85% ऑन रोड प्राइस। आपको बहुत सारे प्राइवेट बैंक मिल जाएगा जो कहते हैं कि मैं 100% ऑफ एक शोरूम प्राइस दूंगा, लेकिन एक शोरूम के साथ क्या होता है कि टैक्स जुड़ता है, इंश्योरेंस जुड़ता है, एक्सेसरीज जुड़ता है, तो एक शोरूम का 100% ऑन रोड का 85% से भी कम हो जाता है। तो इसलिए ऑन रोड का 85% लेना अच्छा होगा। और एस बिकॉज इसमें एडवांस ईएमआई नहीं है, आपको एक्चुअल पैसा मिलता है। अगर आप और कोई बैंक आपको 85% भी दे ऑन रोड का, लेकिन अगर वो एडवांस ईएमआई ले ले तो उससे क्या होता है कि इमीडिएटली वो पैसा आपसे वो वापस ले रहा है, वो स्टेट बैंक में नहीं है। और इतने सारे पॉजिटिव कारण की वजह से स्टेट बैंक कार लोन में इंडिया में लीडिंग पोजीशन पे है। तो चलिए दोस्तों आप देखते हैं कि कौन स्टेट बैंक कार लोन के लिए एलिजिबल है। अगर आप सैलरीड पर्सन है और आपका नेट सालाना इनकम 2.5 लाख नहीं तो उससे ज्यादा है तो आप एसबीआई कार लोन के लिए एलिजिबल है। अगर आपका सालाना इनकम 2.5 लाख से नीचे हुआ नेट इनकम और आप उसमें कोई को बोरोअर ऐड कर लेते हैं, लाइक आपका स्पाउस नहीं तो पापा नहीं तो मम्मी, उसका इनकम अगर ऐड करके 2.5 लाख से ऊपर हो जाता है तब भी आप एलिजिबल होंगे। और अगर आप प्रोफेशनल नहीं तो बिजनेसमैन है तो आपका ग्रॉस एनुअल इनकम 3 लाख नहीं तो उससे ज्यादा होगा। तो सैलरीड पर्सन के लिए नेट 2.5 लाख नहीं तो उससे ज्यादा, बिजनेसमैन प्रोफेशनल के लिए ग्रॉस 3 लाख नहीं तो उससे ज्यादा। तो ये अगर इनकम क्राइटेरिया आपके पास है तो आप स्टेट बैंक कार लोन के लिए एलिजिबल है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा वो है कि आपका एज। आपका एज 21 से 65 साल के बीच में होना पड़ेगा। अगर 65 साल से ज्यादा हुआ और आपका स्टेडी इनकम रहा तो बैंक लोन के लिए कंसिडर भी कर सकता है, लेकिन वो बहुत एक्सेप्शनल कंडीशन में किया जाता है। यूजुअली 21 से 65 साल के बीच में लोन दिया जाता है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि हो सकता है आपका 65 साल से ज्यादा हो तो अगर आप कोई को बोरोअर ले ले, आपका बेटे को नहीं तो बेटी को ले ले जिसका उम्र कम है, तो आप कार लोन ले सकते हैं। दोस्तों अब चलिए देखते हैं कि आप कितने लोन के लिए एलिजिबल है। यूजुअली लोग कंफ्यूज हो जाता है कि कितना लोन मुझे मिलेगा, वो डीलर से पूछते हैं, बैंक में जाके पूछते हैं, और इस टाइम में क्या होता है कि बैंक वाले भी आपको मिसलीडिंग करते हैं। तो ये पार्ट ध्यान से सुनिएगा। यूजुअली 3 तरीके से बैंकर कैलकुलेट करते हैं आपका लोन एलिजिबिलिटी, और ये तीनों में से जो कम होगा उतना ही लोन आपको मिलेगा। पहला है कि ऑन रोड प्राइस का 85%, दूसरा है ईएमआई एनएमआई, और तीसरा है कि सैलरी का एक पर्टिकुलर मल्टीपल जो जितना आपको मिल सकता है। तो पहला जो है कि जो प्रोफॉर्मा इनवॉइस आपको मिलेगा, मतलब ये जो कोटेशन आपको मिलेगा उसमें जो ऑन रोड प्राइस है, मतलब एक एकदम नीचे टोटल करके जो अमाउंट है उसका 85% आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगर 10 लाख है तो 8.5 लाख, ठीक है, ये एक कैलकुलेशन हो गया। दूसरा है ईएमआई एनएमआई। इसमें क्या होता है कि अगर आपका सालाना इनकम 10 लाख के नीचे है तो नेक्स्ट मंथली इनकम, मतलब महीने में जो हाथ में पैसा आता है उसका 50% बैंक ईएमआई के लिए कट सकता है। और अगर सालाना इनकम आपका 10 लाख के ऊपर है तो बैंक नेट मंथली इनकम का 70% कट सकता है। तो ये जो आप पहले आप सपोज आपका 50,000 आपका नेट मंथली इनकम है तो 25,000 बैंक ईएमआई के लिए कट सकता है। अब ये 25,000 में अगर आप कोई और ईएमआई देते हैं, कोई हाउसिंग लोन के लिए, पर्सनल लोन के लिए, वो आपको यहां से डिडक्ट करना पड़ेगा। सपोज आप हाउसिंग लोन के लिए 6,000 देते हैं तो 25,000 से 6,000 बात हो गया 19,000। तो आप सिंपली कोई ईएमआई कैलकुलेटर पे ये कैलकुलेट कर लीजिए कि 19,000 ईएमआई में मुझे कितना लोन मिलेगा, उल्टा कैलकुलेशन। तो इस तरह से सेकेंड कैलकुलेशन हो गया। और तीसरा होता है कि अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपका नेट मंथली इनकम का मैक्सिमम 48 टाइम्स बैंक फाइनेंस कर सकता है, 48 टाइम्स। और अगर प्रोफेशनल है तो नेट एनुअल इनकम का, मतलब साल में जो टोटल इनकम है उसका 4 टाइम्स बैंक फाइनेंस कर सकता है। तो ये 3 तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, तीनों में से जो कम होगा वो ही आपका लोन एलिजिबिलिटी है। ये लोन दोस्तों आपको यूजुअली 7 साल के लिए दिया जाता है, मैक्सिमम 7 ईयर। और एज बिकॉज स्टेट बैंक का कोई प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं है, फोर क्लोजर पेनल्टी नहीं है,
तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप 7 साल के लिए लीजिए, जब चाहे क्लोज कीजिए, क्योंकि 7 साल लेने से क्या होता है, ईएमआई घट जाता है, ईएमआई एनएमआई पे आ जाता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए एसबीआई कार लोन आप लीजिए। तो अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि स्टेट बैंक कार लोन का इंटरेस्ट रेट कितना है। ये इंटरेस्ट पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी भी कुछ ऐसा बैंक है जो फ्लैट रेट पे आपको कार लोन देता है। ये जो फ्लैट रेट होता है मतलब है कि ये रिड्यूसिंग बैलेंस पे नहीं होता है, तो वो आपको कहते हैं कि मैं 6% पे लोन दे दूंगा, 7% पे लोन दे दूंगा। एक्चुअली जो फ्लैट रेट होता है, अगर आप उसको फ्लोटिंग रेट पे कन्वर्ट करें, नहीं तो रिड्यूसिंग बैलेंस पे कन्वर्ट करें, तो वो डबल हो जाता है। तो जो बैंकर आपको कह रहे हैं मैं 6% फ्लैट रेट पे दूंगा, एक्चुअल में वो आपको अराउंड 10-12% इंटरेस्ट ले रहा है। तो ये फ्लैट रेट इंटरेस्ट पे कार लोन मत लीजिए। अब अगर आप स्टेट बैंक का सैलरीड पर्सन है, मतलब आप स्टेट बैंक के अकाउंट से सैलरी लेते हैं, तो आपके लिए रेट सेम है अभी 9.30%। अब ये क्या होता है कि जो 1 साल का एमसीएलआर रेट होता है स्टेट बैंक का, उससे 0.75 BPS ऐड करके इंटरेस्ट रेट होता है। तो जब भी आप कैलकुलेट करेंगे आज से, अगर 5, 1 साल 2 साल बाद मेरे ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो तब स्टेट बैंक का जो एमसीएलआर होगा प्लस 0.75%, वही आपका इंटरेस्ट रेट होगा। अभी 9.30% चल रहा है डेली रिड्यूसिंग बैलेंस पे। और अगर आप स्टेट बैंक का सैलरीड पर्सन नहीं है, कोई और बैंक से सैलरी लेते हैं, नहीं तो प्रोफेशनल है, बिजनेसमैन है, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो आपका सिबिल स्कोर से जुड़ा हुआ है। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से ऊपर हुआ तो आपके लिए भी 9.30% इंटरेस्ट है। अगर आपका सिबिल स्कोर 700 से 750 के बीच में हुआ तो 9.50%, और 700 के नीचे हुआ तो 9.75%। तो ये रेट अभी स्टेट बैंक कार लोन पे चल रहा है, ये डेली रिड्यूसिंग बैलेंस पे है। अब दोस्तों प्रोसेसिंग फी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिंस अक्टूबर 2018 स्टेट बैंक कार लोन में कोई प्रोसेसिंग फी नहीं ले रहा है, वो वेव्ड है, अभी भी वेव्ड है। तो अगर आप लेना चाहते हैं अभी राइट टाइम होगा, क्योंकि अभी आपको कोई प्रोसेसिंग फी देने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल कोर्स में क्या होता है, यूजुअली स्टेट बैंक फ्लैट रेट पे प्रोसेसिंग फी चार्ज करता है, 500+ GST, 1000+ GST, लेकिन अक्टूबर से अभी कोई प्रोसेसिंग फी नहीं है। तो दोस्तों आपने देखा कि क्यों स्टेट बैंक मार्केट में लीडर है कार लोन पे, क्योंकि इसमें कोई फोरक्लोजर चार्जेस नहीं है, एडवांस ईएमआई नहीं है, जो मेरे हिसाब से सबसे डेंजरस है, क्योंकि ये जो एडवांस ईएमआई होता है कस्टमर को मिसलीड करता है, बोलता है कि ज्यादा लोन देंगे, फिर उसके पास से पैसा वापस ले लेते हैं, कम ईएमआई दिखाता है, तो ये बहुत ही डेंजरस होता है एडवांस ईएमआई, ये भी नहीं है, इंटरेस्ट रेट भी रिजनेबल है। तो अगर आप स्टेट बैंक का कार लोन लेना चाहते हैं तो आप डीलर के पास, जो स्टेट बैंक का बंदा बैठा रहता है, उसके पास भी जा सकते हैं, नहीं तो आपका जो होम ब्रांच है वहां पे जाके भी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए डॉक्यूमेंट बहुत ही सिंपल है, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो एज ए KYC देना पड़ेगा, आपका 3 महीने का सैलरी स्लिप और लास्ट 2 साल का फॉर्म 16 आपको देना है, बस इतना ही डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। डीलर के पास से एक प्रोफॉर्मा इनवॉइस ले लीजिए, जो कोटेशन कहा जाता है, और बुकिंग रिसिप्ट, जो पैसा आपने शुरू में दिया है उसका रिसिप्ट, इतना ही डॉक्यूमेंट में एक सैलरी पर्सन को कार लोन मिल जाएगा। 3 महीने का सैलरी स्लिप, 2 साल का फॉर्म 16, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, प्रोफॉर्मा इनवॉइस एंड बुकिंग रिसिप्ट, बस। और अगर आप प्रोफेशनल है, नहीं तो बिजनेसमैन है, तो आपको तो KYC डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो देना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ लास्ट 2 साल का आपको IT रिटर्न भी जमा करना है। IT रिटर्न के साथ जो फिनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है लाइक बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कॉम्प्यूटेशन शीट, ये भी लास्ट 2 साल का आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपका करेंट अकाउंट है तो करेंट अकाउंट का स्टेटमेंट दे दीजिए, ये कंपलसरी नहीं है, अगर देती है तो अच्छा है। तो बस ये इतना ही डॉक्यूमेंट लगता है प्रोफेशनल के लिए, लास्ट 2 साल का IT, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कंप्यूटेशन, सैलरी के लिए लास्ट 2 साल का फॉर्म 16, 3 महीने का सैलरी स्लिप, बस इतना डॉक्यूमेंट लेके आप ब्रांच पे जाइए। यूजुअली 2 नहीं तो 3 दिन में कार लोन सैंक्शन हो जाता है, बहुत ही फास्ट होता है। और कार लोन सैंक्शन हो जाने के बाद आपका जो लोन अमाउंट है वो डायरेक्टली डीलर को डिसबर्स किया जाएगा, आपके अकाउंट में नहीं दिया जाएगा, डीलर को दिया जाएगा और डीलर आपको कार्ड डिलीवर कर देगा। आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन से रिपेमेंट कर सकती है, आपका अगर स्टेट बैंक में अकाउंट है, नहीं तो अदर बैंक में है तो ECS में भी कर सकती है। अगर आप ECS करती है तो मेक श्योर कि वो ECS चालू हो, बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि ECS चालू नहीं होता, पेनल्टी लग जाता है, ये पार्ट आपको दिमाग में रखना है। ECS अगर कर रहे हैं SI में तो स्टेट बैंक में चालू हो ही जाएगा। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जब कार लोन लेने के बाद
आप एकदम इंश्योर कीजिए कि 2 महीने नहीं तो 3 महीने में जितना जल्दी हो सके आपका जो स्मार्ट कार्ड होता है ना, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट स्मार्ट कार्ड होता है, वो ब्रांच में सबमिट करने को, क्योंकि अगर वो देर हो जाए, 3-4 महीने से ज़्यादा हो जाए, तो स्टेट बैंक एक बड़ा पेनाल्टी करता है। तो ये आप अवॉइड कीजिएगा, जब भी आपके हाथ में स्मार्ट कार्ड आए इमीडिएटली ब्रांच में जमा कर दीजिए। और कुछ छोटा छोटा पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि आप लोन लेने के बाद क्या करती है बैंक, आपका जो डॉक्यूमेंट है लाइक इंश्योरेंस का कॉपी, रजिस्ट्रेशन का कॉपी, टैक्स का कॉपी, ये सब मांगता है, तो वो बैंक को आपको देना पड़ेगा। जब आप अप्लाई करती है तो बैंक एक प्री सैंक्शन इंस्पेक्शन के लिए जाता है, तब आप कोशिश कीजिए घर में रहने को। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि एज बिकॉज ये 2-3 दिन में सैंक्शन होता है, जल्दी से बैंक प्री सैंक्शन करता है, तब अगर आप घर में नहीं रहेंगे तो लोन डिक्लाइन हो सकता है। तो ये छोटा मोटा चीज़ आपको इंश्योर करना है। अगर आपका सिविल का डिफॉल्ट है, आप इंश्योर कीजिए उसको सही करने को, अगर सिविल में बहुत बड़ा डिफॉल्ट है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ आपको इंश्योर करना है और इजीली आपको स्टेट बैंक से कार लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों होप आज जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया स्टेट बैंक कार लोन के बारे में, ये आपको हेल्प करेगा अगर आप कार खरीदना चाहे तो। अगर और कुछ आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड फेसबुक में शेयर कीजिए, और अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।